नमस्कार, मैं मनीष कुमार, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा हलचल में। साथियों, आज गांव कोतकलां जिला हिसार, गांव कोतकलां के मठ दादा कड़ा पीर मठ में है और यहां का मठ जो प्रसिद्ध है, आसपास के गांव के लोग यहां पर आते रहते हैं। आज जैसे चौदस का दिन है, आज एक विशेष दिन है, यहाँ पर दोग पूजा और मान्यता है। अगर बात करें तो यहाँ पर सुकराईनाथ जी अभी विराजमान है और भारत की गद्दी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ गद्दी मानी जाती है, जो यहाँ की गद्दी है। और पुरानी बात की अगर करें तो पहले समय में बताया जाता है कि जो यहाँ पर दीवार है और जो यहाँ पर काला पीर हुआ करते थे, यहाँ पर एक साधु आए थे बाहर से, लेकिन उनके स्वागत में यहाँ पर ओटड़ा भी चला था। और इस तरफ सती माता है, सती माता दिखाऊंगे आपने जो बना रखी यहाँ पर, सती माता है और गौशाला भी यहाँ पर। और यहाँ की जो दोग पूजा वैसे तो हर दिन लगती है, लेकिन विशेष दिन है, चौदस के दिन होती है। और वर्ष में एक मेले का आयोजन भी किया जाता है, पहले कुश्ती दंगल भी करा जाता था। और ये दिखाऊंगे अपने सती माता है, ये सती माता है। और यहाँ जो जैसे खाज खुजली जैसी कोई एलर्जी जैसी बीमारी है, तो यहाँ पर जैसे 7 दिन तक अगर मिट्टी निकालना, या अभी तो पानी नहीं है इसमें, लेकिन पानी इसमें रहता है क्योंकि इसके अभी काम चल रहा है, तो पानी रहता है तो मिट्टी निकालते तो उससे ये बीमारियाँ जो दूर हो जाती है। और देखने की चीज़ है, बहुत अच्छी पार्किंग बना रखी है, पार्किंग भी आप देख सकती हैं। और इस तरफ है गौशाला है, जो गौवें यहाँ पर रहती हैं, जितनी भी गऊ हैं और जितनी गऊ हैं सभी यहाँ पर रहते हैं। और गौशाला है, और इस तरफ है जो गऊँ के लिए जगह अंदर बनाई गई और चारा रखा जा रहा है, लेकिन अंदर की तस्वीर भी आपने सारे दिखावांगे। और यहाँ जो मेला लगता है साल में, अभी नए पिछले साल भी लगाया था, दादा कड़ा पीर का जन्मदिन मनाया था नई साल को, तो अब की बार वो कार्यक्रम भी है जो मार्च में किया जाएगा। और पार्किंग जो पार्किंग भी बहुत बढ़िया पार्किंग है, जब बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं तो अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी पार्किंग बना रखी है। और ये सती माता है। और जो अंदर का मंदिर है, अंदर का मंदिर की बात करें तो बहुत बढ़िया संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, राजस्थान का पत्थर से। और जो पार्किंग है, पार्किंग भी अच्छी है। और यहाँ पर जैसे चौदस का दिन है आज, तो बच्चे आते हैं और बाहर के लोग भी जब दोग पूजा करने के लिए आते, तो एक बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल के खेल खिलौने जो रखे गए हैं, हर चौदस को ये ऐसे ही मेला लगता है। वैसे तो यहाँ दोग पूजा हर दिन रहती है, कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन सभी दिन विशेष हैं, लेकिन चौदस के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और वर्ष में भी एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो मेला पहला भी लगा था नई साल में, और आगे अब की बार ठंड के कारण नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ठंड थी कि ठंड में नहीं, अब थोड़ा आगे बढ़ा है, तो मार्च में उस मेले का आयोजन किया जाएगा। झूले वगैरह मतलब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया जा रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। और जो अंदर है, अंदर की तस्वीर आपने दिखावांगे, जो अंदर का गेट है, अंदर जो मैन मंडी है दादा कड़ा पीर की, वो आपने दिखावांगे। तो ये गेट है जो दादा कड़ा पीर मठ है, उसका गेट है, एक भव्य और सुंदर बनाया गया, बिल्कुल एक सौंदर्य तरीके से। और इसमें अगर बिल्कुल आरोचक तरीके से इसको देखने के लिए लोग अपने फ़ोटो तुलवाने के लिए यहाँ आते हैं, तो देख सकते हैं ये गेट है इसका, दादा कड़ा पीर मठ का अंदर जाने का जो गेट है उसकी तस्वीर है। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, जो मठ का ये ताल है, यहाँ से जो एंट्री होती है और जाते हैं, तो यह जो घंटी है वो ज़रूर बजाते रहते हैं। तो चलिए एक बार, जो ये पत्थर देख सकते हैं, राजस्थानी पत्थर है, ये पत्थर से ये पूरा मठ है जो पत्थर से बनाया गया है, बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सौंदर्य तरीके से इसको सजाया गया है। तो ये दादा कड़ा पीर मठ कोतकला हिसार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार साइड में चलते, जहाँ पर धूना था ये, और उसकी तरफ जो आपको धूने की तरफ ले चलते हैं। ये पानी की एक टंकी है, तो एक बार ले चलते हैं आपको वहीं। तो जो थोड़ा इसमें बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है, तो ये दीवार है यहाँ से बंद कर दी गई है, और जो दादा कड़ा पीर का ये धूना है तो इस तरफ एक तरफ ले आया गया है, तो पहले आगे था ये, लेकिन अभी इसको इस साइड कर दिया गया है। तो बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं, आज ये गांव कोतकला के मठ है, दादा कड़ा पीर मठ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इसकी जो अगर नाथ संप्रदाय की गद्दी की बात करें, तो
पूरे भारत में सबसे बड़ी गद्दी कोतकला धाम की है, कोतकला मठ की है। तो चलिए और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और काफ़ी दूर दूर से, यानी पंजाब से भी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज भी कई बसें आई हैं जो दूर दूर से आ रही हैं। और जो ये अंदर की तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं, बिल्कुल चारों तरफ पत्थर से बनाया गया है। ये बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर है इसमें। और यहाँ जो गद्दीसीन है, जो पीठाधीश्वर हैं महंत शुक्राईनाथ जी, योगी जी महाराज जी हैं, और ये दादा सुरजाई पीर जी महाराज की फ़ोटो है जो यहाँ गद्दी लगाई गई है। तो चलिए और भी जो अंदर की तस्वीरें हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये जब पूजा अर्चना की जाती है तो उस टाइम ये ढोल, ये जो भी है ये बजता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता है मोटर के द्वारा। और अंदर की तस्वीरें हैं वो भी आपने दिखावांगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल भव्य और सौंदर्य तरीके से इसको सजाया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और पूरा बिल्कुल एक पत्थर, जो राजस्थानी पत्थर, वहाँ से इसको बनाया गया है। जय जय महायोगी सिद्ध श्री काला पीर जी महाराज, इस पर लिखा गया है। तो हाँ देखा, तो जो अंदर की तस्वीरें है, जो दादा काला पीर की अंदर की, वो अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये लगभग इसमें शीतला माता भी है और भी जितनी समाधि स्थल बनाए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये दादा कला पीर की समाधि है और यहीं पर पहले दोक अर्चना की जाती, पहले दोक पूजा की जाती है। तो बिल्कुल एक भव्य और सौंदर्य तरीके से इस मठ को सजाया गया है। और इसमें प्रत्येक वर्ष यानी जनवरी में मेला लगता था, लेकिन अब की बार महाराज जी ने बोला कि ठंड ज़्यादा होने के कारण इसमें लगभग मार्च में मेले का आयोजन किया जाएगा। तो जनवरी में लगभग अब की बार इसको टालना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने के कारण महाराज जी ने कहा कि ठिठुरता हम नहीं देख सकते, और लगभग मार्च में ये मेले का आयोजन किया जाएगा। तो चारों तरफ बिल्कुल अच्छे तरीके से पेंटिंग वगैरह की गई, और पार्किंग की सुविधा बहुत बढ़िया पार्किंग की सुविधा की गई है इसमें। तो आज जो दादा काला पीर मठ कोतकला की ये भव्य और सौंदर्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज और सुरजाई पीर जी महाराज की यहाँ समाधि स्थल है, देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये दादा सुरजाई पीर जी महाराज की यहाँ समाधि स्थल है जहाँ पर दोक पूजा की जाती है। तो भाई आपने देख लिया कि कितने अच्छे तरीके से इस मठ को सजाया गया, कितना इस पर खर्चा किया गया। तो आपने के कुछ लगा है एक एक मठ पे इतना खर्चा कर रखा है, एक भव्य और सौंदर्य तरीके से बना रखा है। दूर दूर से लोग आवे हैं और लगभग पूरे नाथ संप्रदाय की भारतवर्ष की सबसे बड़ी गद्दी है। तो एक बहुत बड़ा मेले का भी हर वर्ष मेले का आयोजन किया जावा है। तो अब की बार हो उसके थोड़ा लेट हुआ है। तो आपने के कुछ लगे अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।